मेरे से ज़्यादा मेरे डायरेक्टर साहब एक एक सेकंड का उनको याद है, तो मेरे को मत इसमें डाल दीजिए, इनको पूछिए। फिल्म का टाइटल भिखारी है, लेकिन मुहूर्त JW मेरिट में अब ब्लेस फॉर मिस्टर अमिताभ बच्चन, अमित जी ब्लेस कर रहे हम सब भिखारियों को, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं ये कहूँगा कि टाइटल है लेकिन रिचनेस बहुत है, हम लोग बहुत लविस्ते से फिल्म कर रहे हैं, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा फिल्म के बारे में, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि सपनी दोषी है, रुचा आनंद अब नई लड़की इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रुचा इनामदार, शाहजी शिंदे है, मनोज जोशी, और बहुत बड़े स्टार कास्ट है। मेरे DOP महेश निम्मे है, राइटर गुरु ठाकुर है, अब्बास मुगल एक्शन है, तो पूरी कोशिश की हम लोगों ने अच्छा एक प्रचंड टाइप का वो मूवी करे। बनने तो दो, रिलीज़ का बाद में बता दें। शूटिंग अभी 20 तारीख से चालू है, दिसंबर 20 से 20 तारीख से कंटिन्यू शूट कर रहे हैं हम लोग, फरवरी तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। देखिए अमित जी को तो जब मैंने कहा, अमित जी का ब्लेस मेरे पास हमेशा रहता है, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए ग्रुप डांसर एज असिस्टेंट कमल मास्टर जी का, तब से उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। फर्स्ट फिल्म की थी स्वामी, तभी भी उन्हें आशीर्वाद दिया, हे ब्रो में उन्होंने मेरे साथ डांस किया, आशीर्वाद दिया, तो उनके ब्लेस के बिना तो मेरे लिए कुछ होता ही नहीं। तो बहुत ही खुश हूँ कि अमित जी आज इस भिखारी फिल्म का मुहूर्त के लिए आ रहे और ब्लेस दे रहे हैं हमको, मेरी अपील। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, and I want to request the cast of the film Bhikari. या चित्रपटातील सर्व कलाकारांना रंगमंचावर येण्याची विनंती करते। सर्वप्रथम या चित्रपटाचे नायक आपल्या सर्वांचा लाडका अभिनेता स्वप्नील जोशी, एक नवा चेहरा या चित्रपटातून पदार्पण करतोय, रुचा इनामदार हिला मी रंगमंचावर येण्याची विनंती करते, त्यासोबतच आपल्या सर्वांचे लाडके अभिनेते सयाजी शिंदे आणि मनोज जोशी यांना विनंती करते की त्यांनी रंगमंचावर यावं। या चित्रपटाचे निर्माते मिस्टर शरद शेलार यांनाही मी विनंती करते। और हम सभी के चहेते, सभी के प्यारे जो इस वक्त बहुत ही टेंशन में है, प्लीज मास्टर जी आ जाइए स्टेज पे, वो भी आ जाएंगे। थैंक यू मास्टर जी, आपने मुझे बुलाया आज यहाँ पे। चित्रपटातील कलाकारांना मी लवकरात लवकर रंगमंचावर येण्याची विनंती करेन। एंड टाइगर इज ऑल्सो हियर, टाइगर प्लीज कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज। Can we have Mr. Riyaz Ganji and his lovely wife Reshma on stage, jinhone hum sabhi ko itne sundar costume se sajaya hai aaj, and our outdoor media partner Mr. Yogesh Lakhani also please. मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अमित जी से, प्लीज सर आप दो शब्द कह दीजिए, थोड़ी ब्लेसिंग्स।
आज के दिन की मैं गणेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितने भी यहाँ स्टारकास्ट है उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश आचार्य का और मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, कई साल बीत गए मुझे फिल्म इंडस्ट्री में और इन्हें भी। पहले ये हमारे गानों में जब हम गाना वगैरह किया करते थे तो ये क्राउड में नाचते थे और अब बढ़ते बढ़ते ये इन्होंने मुझे नचाना शुरू कर दिया है फिल्मों में। अभी हाल में ही एक और फिल्म में अभी इन्होंने अपने जितने भी कर्तव्य थे वो दिखाए। इस लायक नहीं हूँ मैं कि अब नाच सकूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा कुछ कर देते हैं जैसे लगता है कि मैं नाच रहा हूँ। आपको ये और एक बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूँ कि आपका जो आकार है वो थोड़ा कम हो गया है और ये देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब भी हम इनके साथ मिलते थे तो सामने जितना कुछ बादाम काजू रखा रहता था सबसे पहले वो वही खाते थे, बाद में बताते थे कि क्या है कोरियोग्राफी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तब से मैं इनको टोक रहा हूँ कि अपने वज़न को कम करो। बहुत बहुत बधाई आपको। Can we ask Tiger to have a word, please? सबसे पहले तो नमस्ते, नमस्कार आप सबको। Congratulations to the cast and crew, और मास्टर जी congratulations to you especially। मैं ये कहना चाहूँगा, बार बार यही कहता हूँ मैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मास्टर जी की वजह से हूँ। लोग मुझे मेरी पहली पिक्चर से नहीं जानते, मेरी पहला गाना से जानते हैं, विसल बजा। और यू नो He's the one who's choreographed my song. So thank you, Master Ji, for giving me an identity in the industry. Thank you so much. Master Ji, aap please ab kuch boliye. मुझे जो बादाम और उस सब आते थे अमित जी के घर से आते थे, मैं अभी कहता हूँ। अमित जी जब भी डांस करने से पहले मुझे कहते थे कि बादाम, जिससे मतलब मैं मूवमेंट थोड़ा सा लाइट कर दूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे हर किसी भी चीज़ में अमित जी का ब्लेसिंग होता है, क्योंकि मैंने करियर जो स्टार्ट किया तूफान फिल्म में एज ए ग्रुप डांसर, तभी अमित जी ने कहा था और वहाँ से अभी तक मेरी स्वामी फिल्म, हे ब्रो, सब में अमित जी का आशीर्वाद रहता है। क्योंकि आज इंडस्ट्री में मेरे जो भी है वो अमित जी है, तो मैं बहुत प्यार करता हूँ अमित जी, थैंक यू। हम जो सब यहाँ पे भिखारी बहन, उनको आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बड़ी बात। थैंक यू वेरी मच। मी स्वप्निल जोशी यांना विनंती करेन की त्यांनी दोन शब्द बोलावे। प्रत्येक अभिनेत्याचं स्वप्न असतं की आयुष्यात एकदा तरी त्यांच्या बाजूला उभं राहता यावं, आणि प्रत्येक अभिनेत्याचं स्वप्न असतं की आयुष्यात एकदा तरी एका फोटोमध्ये त्यांच्याबरोबर दिसावं। मला असं वाटतं की ह्याच्यापेक्षा मोठा आशीर्वाद काय मिळणार चित्रपटाला, की आज या चित्रपटाचा मुहूर्त होत असताना चित्रपटात ज्याला आपण परमेश्वर म्हणतो, देव म्हणतो, भगवान म्हणतो, त्यांचा आशीर्वाद आम्हाला मिळाला। थँक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग द फंक्शन सर। थँक यू सो मच टायगर। संपूर्ण भिकारी टीमच्या वतीने सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो, उपस्थित प्रेसचे, मित्रमैत्रिणींचे, थँक यू सो मच। चांगला सिनेमा बनवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद पाहिजेत, थँक यू। मी सयाजी सरांना सुद्धा रिक्वेस्ट करेन की त्यांनी दोन शब्द व्यक्त करावे। याच्यासारखा दुसरा आनंद नाही की बच्चन साहेबांचा आम्हाला सगळ्यांना आशीर्वाद आहे, फार शुभेच्छा आहेत, आणि आम्ही जास्तीत जास्त चांगला सिनेमा करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, आणि तुम्ही तो सिनेमा बघायला नक्की या, आम्हाला तेव्हाही खूप आवडेल। धन्यवाद। कॅन आय रिक्वेस्ट मनोजी ऑल्सो टू हॅव अ वर्ड प्लीज। थँक्यू। जसा प्रत्येक भिकाऱ्याला सुद्धा परमेश्वराचा आशीर्वाद असतो, तसा साक्षात परमेश्वर आज या भिकारी चित्रपटाचा क्लॅप द्यायला परमेश्वर साक्षात इथं आले, आणि म्हणून त्या परमेश्वरालाही वंदन करून आणि तुम्हा सगळ्यांनाही वंदन करून ह्या भिकारी चित्रपटाला तुमच्याही शुभेच्छाची खूप आवश्यकता आहे, आणि परमेश्वर या भिकारीला खूप खूप श्रीमंत बनवो अशी परमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो। थँक्यू व्हेरी मच। अमित जी, एक छोटीशी रिक्वेस्ट है। ये मराठी फिल्म है, मराठी फिल्म का मुहूर्त है, तो हम सब चाहते हैं कि आप दो शब्द मराठी में कुछ बोले, ये हमारी जेन्युइन रिक्वेस्ट है। मेरी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है सरकार 3, उसे अवश्य देखिएगा, उसमें बहुत सारी मराठी बोली लेकिन मुझे आज के इस कार्यक्रम में बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि
पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि मराठी सिनेमा जो है वो बहुत ही उन्नति कर रहा है. जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, जिस तरह की कहानियाँ बन रही हैं, जिस तरह के कलाकार सामने आ रहे हैं, अद्भुत है एकदम. और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये और भी ऊंची ऊंचाइयों पर जाएगा मराठी सिनेमा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है उनका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो बदल रहा है. अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियाँ देखने का उनका मन कर रहा है और मराठी सिनेमा ने एक पहल की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहल और आगे बढ़ेगी. थैंक यू सो मच. Can we call Mr. Ketan Belsare on stage, please? Mr. Ketan Belsare. Sir, ये सिवाय bride के और कुछ बोलते ही नहीं है. यहाँ के खड़े हो गए, बोला वो bride से हूँ मैं, पता है ना आपको. इतने bright कपड़े पहन के आइएगा आप, तो कौन नहीं मानेगा कि आप वहाँ से हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सारे आर्टिस्टों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यू कैन टेक योर सीट. पर अमित जी और टाइगर, प्लीज़ आप दोनों से रिक्वेस्ट है थोड़ी देर स्टेज पे, क्योंकि ये फिल्म सारे टेक्नीशियंस बना रहे हैं, तो जितने हमारे टेक्नीशियंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टीम के, वो आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं. तो बाकी सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग अपना सीट लीजिए प्लीज. सिनेमेटोग्राफर महेश, मिस्टर महेश लिमये, मिस्टर गुरु ठाकुर गुरु, चित्रपटाचे म्युझिक डिरेक्टर मिस्टर विशाल मिश्रा आणि मिस्टर मिलिंद वानखेडे, कोरिओग्राफर्स राहुल अँड संजीव, प्रोडक्शन डिझायनर नरेंद्र राहुरीकर, एडिटर मिस्टर मनोज, कॉस्ट्यूम डिझायनर सौम्या हसन, कास्टिंग डिरेक्टर रोहन मापुसकर, एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर मिस्टर रवी सिंग, Mr. Ashish Pandari and Associate Director Mr. Akshay Khadilkar, makeup Mr. Dinesh Dhawan and dress man Raju Sadre. मी सर्व टेक्निशियन्स ना रंगमंचावर येण्याची विनंती करते. जी थैंक यू वेरी मच. एक तो मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ मास्टर जी, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, क्योंकि मैं बहुत साल से काम कर रही हूँ पर मैं अमित जी से कभी मिल नहीं पाई थी. तो मैं जब जब अपनी मम्मी को बोलती थी आज मैं इनसे मिली उनसे मिली, मम्मी हमेशा पूछती थी अमित जी से मिली क्या, तो फिर क्या मतलब. तो मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि बस दो दिन पहले ही मेरे एल्बम लॉन्च हुई थी, वहाँ पर मैं पहली बार इनसे मिली थी और आज मैं वापस इनसे दोबारा मिल पाई आपके लिए. तो थैंक यू सो मच, मैं आ जाती हूँ. एंड ऑल द बेस्ट टू टीम भिखारी. Thank you. Thank you. तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है. मैं ये कहूँगा कि टाइटल है लेकिन रिचनेस बहुत है. हम लोग बहुत लेविस तरह से फिल्म कर रहे हैं और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा फिल्म के बारे में, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि स्वप्निल दोषी है, रुचा इनामदार नई लड़की इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रुचा इनामदार, शाहजी शिंदे है, मनोज जोशी और बहुत बड़े स्टार कास्ट है. मेरे DOP महेश लिम्बे है, राइटर गुरु ठाकुर है, अब्बास मुगल एक्शन है. तो पूरी कोशिश की हम लोगों ने अच्छा एक प्रचंड टाइप का वो मूवी करे. बनने तो दो, रिलीज़ का बाद में बताते. शूटिंग अभी 20 तारीख से चालू है, दिसंबर 20 से 20 तारीख से कंटिन्यू शूट कर रहे हैं हम लोग.
फेब्रुवरी तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। अमिताभ बच्चन जी देखिए, अमित जी को तो जब मैंने कहा, अमित जी का ब्लेस मेरे पास हमेशा रहता है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ ग्रुप डांसर, एज असिस्टेंट कमल मास्टर जी का, तब से उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। फर्स्ट फिल्म की थी स्वामी, तभी भी उन्हें आशीर्वाद दिया, हे ब्रो में उन्होंने मेरे साथ डांस किया, आशीर्वाद दिया। तो उनके ब्लेस के बिना तो मेरे लिए कुछ होता ही नहीं। तो बहुत ही खुश हूँ कि अमित जी आज इस भिखारी फिल्म का मुहूर्त के लिए आ रहे और ब्लेस दे रहे हैं हमको। मेरी अपील, हाँ, सबसे पहले गणेश और मैं उस ज़माने के दोस्त हैं जब हम लोग बाइक पे स्ट्रगल करते थे। गणेश मेरी बाइक पे पीछे बैठा रहता था और हम लोग प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर घूमते थे। फिर गणेश ने बाद में, फिर गणेश को सक्सेस मिली, मुझे भगवान ने दी, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत गाने किए। और मुझे पता था गणेश के अंदर एक बहुत अच्छा डायरेक्टर भी है छिपा हुआ। ये कहानी मैंने सुना था भिखारी जो फिल्म है, और मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है जो गणेश डायरेक्ट करने जा रहे हैं। और इनके प्रोड्यूसर भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पुराने, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से थे। सो अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे मूवमेंट पे, और अमित जी आए, अमित जी ने मुहूर्त का उद्घाटन किया, और हम लोग, चूँकि मैं, गणेश मेरा गुरु भी है, मैंने डांस जो सीखा है, मेरे सारे डांस के जो अंदाज़ हैं वो गणेश के ही हैं। तो मेरा गणेश गुरु भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरे स्ट्रगल का साथी भी है। तो मुझे गणेश की खुशी में हमेशा बहुत खुशी होती है। ये फिल्म गणेश ने मुझे ऑफ़र भी की है, मैं गणेश से भी पूछूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं आउटडोर चला गया था। गणेश ने बोला था एक ये कहानी ज़रूर सुनना और मैं चाहता हूँ तुम करो। शायद ये कहानी, शायद पता नहीं, ये वही है, तमिल की रीमेक है, तमिल फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, तो शायद ये वही फिल्म है, वो देखता हूँ। बट ये थॉट बहुत अच्छा है, और अगर ये वही कहानी है तो ये कमाल की कहानी है। और मराठी सिनेमा एकदम ऊँचाई पर है, मैंने भी एक मराठी फिल्म मध्यम वर्ग की थी। मराठी सिनेमा अपनी ऊंचाई पे है, सैराट जैसी फिल्म और लय भारी, और न जाने नट सम्राट कितनी फिल्में आई, और ये फिल्म भी उतनी काबिल हो, यही भगवान से उम्मीद है। क्योंकि गणेश का अच्छा होगा, मुझे बहुत अच्छा, और गणेश चाहता है, और गणेश पतला भी हो गया है, गणेश ने 80 किलो कम भी किया है। मराठी फिल्म मैंने एक की थी मध्यम वर्ग, और मैं करूँगा मराठी, मैं तमिल करता हूँ, तेलुगू करता हूँ, कन्नड़ा करता हूँ, गुजराती अभी की, मुझे भाषा का बहुत शौक है, और 400 फिल्म अभी तक हो गई है, तो मराठी भी डेफिनेटली कोई स्क्रिप्ट आएगी। शायद गणेश की ये फिल्म, अगर आज ही बात करूँगा, अच्छी लगी कहानी, तो मैं डेफिनेटली गणेश के साथ हमेशा काम करना चाहूँगा। दिलीप साहब अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि आज सुबह उनका ट्वीट आया कि ही इज़ फाइन एंड हेल्दी, और रूटीन चेकअप के लिए गए थे, सो ही इज़ डेफिनेटली ऑल राइट। और सायराबाजी से भी बात हुई तो नथिंग टू वरी, ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट। बहुत अच्छा, मुझे हमेशा 10 साल से अवार्ड मिलते रहे, और अभी भी मिल रहे हैं, इतनी कृपा है भगवान की कि लोग प्यार करते हैं और अलग अलग रूप में मुझे देखना चाहते हैं, और हमेशा मैं नए नए रूप में आता रहता हूँ, और देश मुझे बहुत प्यार करता है, इसीलिए थैंक यू। भिखारी का मुझे सब्जेक्ट मास्टर जी बोलते हैं हम, गणेश आचार्य जी को मास्टर जी, उन्होंने मेरे को सुनाया। ही इज़ रियली वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क एज कोरियोग्राफर, एज डायरेक्टर। और जब उन्होंने मेरे को कहा कि इसमें मैं गणपति जी का एक गाना करना है, तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी होती है जब, बिकॉज मैं भी शिव भक्त हूँ, और गणपति जी का जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला गाना गाने का, तो आई वॉज फ्लैबरगास्टेड, इतना खुश हुआ मैं, और मेरा पूरा तन मन एकदम नाचने लगा। देन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, और भिखारी का जो सब्जेक्ट है ये कहानी से ज़्यादा एक सच्चाई है और बहुत इमोशनल है, इसलिए मैंने ये कहा कि भिखारी, दिस फिल्म, इसका नाम भिखारी है, दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी वेरी रिच, इट्स गोइंग टू रन लाइक एनीथिंग, एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू लाइक, सब पसंद करने वाले हैं, बहुत इमोशनल है। नो, मैं मराठी गाता हूँ, आई अंडरस्टैंड, अभी मेरे को रिवेल करने के लिए नहीं बोला है। मैंने राजे मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, मैं शिवाजी राव भोसले बोलते, उसमें हे राजे जो था
वो मेरा दैट वाज माय फर्स्ट मराठी सॉन्ग. उसके बाद मैंने 3 या 4 और फिल्मों में गाया एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू सिंग इन मराठी. एंड आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम मुंबई कर एंड आई लव माय महाराष्ट्र एंड मुझे बहुत आसानी होती है गाने में. मे बी आई एम नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल इन स्पीकिंग लेकिन आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, बहुत अच्छा लगता है मुझे. थैंक यू वेरी मच, नमस्कार. मैं बहुत साल पहले उनको उनके साथ लंच किया था, सितारों की दुनिया के प्रोग्राम करते थे साहिरा जी. उस दौरान हम लोगों ने आपस में पंजाबी में बातें कर रहे थे, खूब सारी बातें शेयर की और वो द रियल लेजेंड हैं. हम उनकी सेहत की शुभकामनाएं करते हैं और उन्होंने ज़िंदगी को बहुत लेजेंडरी, बहुत पॉलिश्ड जिया है एंड गॉड ब्लेस हिम. थैंक यू वेरी मच, जय महाराष्ट्र. ये है, ही इज़ द मैन बिहाइंड भिखारी. भिखारी का एक डायलॉग जो फिल्म में नहीं होगा लेकिन फिल्म के बाहर होगा, उसका सबसे पहले श्रेय मेरे को जाता है कि भिखारी इज गोइंग टू बी रिच. मास्टर जी 200 करोड़. थैंक यू. मतलब ये कहूँगा कि उनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहते और मैं बहुत खुश हूँ अमित जी इसी तरह अपना आशीर्वाद रखे हमारे पर. और इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी कि अमित जी टाइगर श्रॉफ, टाइगर के साथ मैं मुन्ना माइकल फिल्म कर रहा हूँ, अमित जी के साथ अभी सरकार 3 की है, तो प्यार बहुत है अमित जी के साथ. तो स्वामी में उन्होंने मुझे अपनी वॉइस दी थी, फिर हे ब्रो में बिरजू में उन्होंने मेरे साथ डांस किया था, तो उनका हमेशा मेरे साथ एक प्यार है, मुझे बहुत अपना समझते हो. थैंक यू अमित जी. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये फिल्म थोड़ी सी अलग है, टाइटल भिखारी है लेकिन रिचनेस बहुत है इसमें. कहानी अभी कुछ बोलूँगा नहीं लेकिन डेफिनेटली बोलूँगा कि अगर JW मैरिट में भिखारी का अगर मुहूर्त हुआ है तो फिल्म में आप देखिए क्या क्या होगा. मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं फर्स्ट टाइम मराठी फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैंने अभी ये सोचा नहीं कि अभी मराठी या हिंदी है, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी जितनी मेहनत है मैं इस फिल्म में लगाऊँ और इसको अच्छा बनाऊँ. बॉलीवुड में किया मैंने स्वामी किया, फिर बाद में मनी हतवानी की, एंजल की, अभी ये कर रहा हूँ क्योंकि अब वो नहीं रहा कि हिंदी या मराठी या साउथ की कोई फिल्म, अब कंटेंट चलता है, ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, वो समझती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है. तो आप अगर लास्ट देखोगे तो लई भारी जिसमें मैंने गाना किया था, फिर आप सैराट देखो या नट सम्राट देखो या दुनियादारी देखो या बहुत सारी ऐसी फिल्में जो अब मराठी का लेवल कहाँ जा रहा है. तो हमने एक अटेम्प्ट किया है, मेरे साथ बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस फिल्म में, स्वप्निल जोशी लीड कर रहे हैं, नई लड़की रुचा इनामदार है, फिर शाहजी शिंदे है, मिलिंद शिंदे है और मेरे DOP है महेश टीम में, तो अपने आप में उन्होंने डायरेक्ट की है फिल्म, फिर गुरु ठाकुर राइटर जिन नटरंग और बहुत सारी फिल्म की है, फिर उसके बाद अब्बास मुगल फाइट मास्टर है, फिर बाद में आर्ट डायरेक्टर नरेंद्र वेकर है और बहुत सारी ऐसी टीम है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, तो बस इनके साथ मिलकर फिल्म बनाने की कोशिश है. सी अगर मैंने फर्स्ट स्वामी बनाई थी उसमें चेयर था और अगर इसमें भिखारी है और काटा चम्मच है तो कुछ तो थॉट होगा. बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, मुझे हमेशा ऐसे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं जो इमोशन होते हैं, जो कनेक्ट होते हैं लोगों से. तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे कई लोगों ने कहा भी भिखारी ये टाइटल आप रख रहे हो लेकिन वो मेरे फिल्म के साथ इतना अच्छा जाता है मेरे. आप जब फिल्म देखोगे उसका जब फर्स्ट लुक आएगा तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि भिखारी क्या फिल्म है. ऐसा लग रहा है मेरा वेट घटा हुआ है तो अच्छी बात है. मैं कंटिन्यू कोशिश में हूँ. लास्ट फिल्म है ब्रो मैंने 200 kg में की थी, अभी मैं कुछ ऑलमोस्ट 76 kg 80 kg लॉस हुआ हूँ. तो स्विमिंग है जी, मैं बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है. लास्ट ईयर मैंने हाउसफुल 3 वहाँ से मैंने सोचा था कि अब मैं करूँगा, तो अभी भी मैं बहुत
ज़्यादा पतला नहीं हुआ, मैं नॉर्मल अभी हेल्दी हूँ, तो कोशिश है कि और 30-40 किलो उतारो फिर बात करेंगे। नहीं वो मैं दुआ करूँगा वो हमेशा हम लोग के साथ रहे, बहुत जल्द ठीक हो के आए, और मेरा उनसे बहुत प्यार है क्योंकि हम या हमारे जितने आर्टिस्ट हैं सब उनके नक्शे कदम पे हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए। मैं बोलूँगा दिलीप जी प्लीज़ जल्दी होके घर आइए, हम आपको मिलने आएंगे। थैंक यू।